पूरे साल में 14 और 15 जून को यानी देसी महीने के हिसाब से एक तारीख और हिमाचली भाषा में साझा। गर्मियों के इन दो दिनों में बाबा कमरूनाथ पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं, इसलिए लोगों का यह जन सलाह पहले ही उमड़ पड़ता है, क्योंकि बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता है और हर मन्नत पूरी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर आता है रोहांडा, यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, इस तरह लगभग 8 किलोमीटर चलना पड़ता है। मंदिर के पास ही एक झील है जिसे कमरूनाथ झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। देव कमरूनाथ को वर्षा का देव माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान कमरूनाथ को सोने चांदी व पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। यहाँ जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी की गहनों को अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की मान्यता मानो तो सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि झील के गर्त में काफी बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरूनाथ में लोहड़ी पर भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। कमरूनाथ जी का जिक्र महाभारत में ही आता है। इन्हें बब्रुहान जी के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कृष्ण नीति से हार गए। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों का युद्ध देखेंगे और जो सेना हारने लगेगी मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण भी डर गए कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका शीश मांग लिया। लेकिन कमरूनाथ जी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने इनके कटे हुए सिर को हिमाचल के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ उनका सिर घूमता वो सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली की गाड़ कर एक झील बना दी थी। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोने चांदी चढ़ाते से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। यह सोना चांदी कभी भी झील से निकाली नहीं जाती क्योंकि यह देवताओं का होता है। यह भी मान्यता है कि यह झील सीधे पाताल तक जाती है। इसमें देवताओं का खजाना छिपा है। हर साल जून महीने में 14 और 15 जून को बाबा भक्त को दर्शन देते हैं। झील घने जंगल में है और इन दिनों के बाद यहाँ कोई भी पुजारी नहीं होता। यहाँ बर्फ भी पड़ जाती है। यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता क्योंकि माना जाता है कि कमरूनाथ के खामोश प्रहरी इसकी रक्षा करते हैं। एक नाग की तरह दिखने वाला पेड़ इसे पहाड़ों के चारों ओर है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये नाग देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ भी लगाए।